सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति कोष का दिखी से। कोष का देखने से गोल्जी का एक उत्पत्ति के बारे में बताते हैं एलियट। तो कोशिका झिल्ली से उत्पत्ति होती है गोल्जी का एक, इसके बारे में कौन बताते हैं डेनियस 1964 में उन्होंने बताया था कि जो गोल्जी का है उसकी सिस्टमी का निर्माण कोशिका झिल्ली से बनी वेसिकल से होता है। तो ये क्या बताते हैं, सिस्टमी का निर्माण यहां करनी है गोल्जी का की सिस्टमी है। तो ये सिस्टमी है, मान लो हम चित्र बनाते हैं, जैसे ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में एक वेसिकल का निर्माण होता है जो कि कोशिका झिल्ली से बनती है। ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली से क्या बनी है, वेसिकल बनी है। एक वेसिकल होगी और ऐसी कई सारी वेसिकल मिलकर एक सिस्टमी का निर्माण कर सकते हैं। एक सिस्टमी का निर्माण कर देते हैं। कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित होगी जिससे एक वेसिकल जैसी रचना बनेगी और यह कई सारी वेसिकल जैसे एक दो तीन और भी उत्पत्ति है, ये वेसिकल मिलकर इसका निर्माण करेगी सिस्टम डी का। तो ये सिस्टम डी किसकी है, गोल्जी की। गोल्जी की सिस्टम डी, ये सिस्टम डी बन जाती है जो कि ये गोल्जी है। गोल्जी का सिस्टम इस तरीके से बन जाती है। तो ये बात किसने बताई थी, डेनियल्स ने बताई थी। अब एक अन्य वैज्ञानिक थे बॉच। अब गोल्जी का उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो केंद्र झिल्ली से गोल्जी का उत्पत्ति के बारे में बात की थी बॉच 1965। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि गोल्जी का उत्पत्ति केंद्र झिल्ली से होती है। कौन से वैज्ञानिक थे, बॉच, सन 1965। तो इन्होंने बताया
कि जैसे ये कोई कोशिका है, मान लो ये कोई कोशिका है, यहां ये केंद्रक है और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है करते हैं, और केंद्र झिल्ली में केंद्र के छिद्र भी पाए जाते हैं। जैसे ये बाहरी झिल्ली है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्र की बाहरी झिल्ली, और एक अंतर झिल्ली जिसे आंतरिक झिल्ली कहते हैं। तो ये केंद्र की बाहरी झिल्ली और अंतर झिल्ली होती है, और ये केंद्रीय क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखें, यहां से अतिवृत्ति के रूप में बेसिकल जैसी रचना बनेगी, बेसिकल बन जाती है। तो बताते हैं कि केंद्र झिल्ली से बनी बेसिकल गोलकीय की बेसिकल के समान है। तो ये केंद्र झिल्ली से बेसिकल बनी है, और इसी प्रकार मान लो ये गोलकीय सिस्टम की ऑक्सीजन में बेसिकल बनी है, तो इन दोनों की आकृति समान है। ये गोलकीय की सिस्टम नीचे बेसिकल बनी है, ये क्या है सिस्टम, ध्यान रखें गोलकी की सिस्टम नीचे एक बेसिकल बनती है, उसकी आकार आकृति केंद्र झिल्ली से बनी बेसिकल के समान है। तो मानते हैं बोझ कि केंद्र झिल्ली से ही गोलकी का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने बेसिकलों में समानता बताई है, केवल दोनों की बेसिकल गोलकी की सिस्टम नीचे बनी बेसिकल और केंद्र झिल्ली से बनी बेसिकल के आधार पर इन्होंने बताया गोलकी काय की उत्पत्ति बेसिकल केंद्र झिल्ली की, केंद्र झिल्ली से होती है, उनकी बेसिकल से होती है। एनिलेट लेमी से उत्पन्न, इसे कौन बताते हैं, वैज्ञानिक है बाह, और ये है 1965। तो वैज्ञानिक बाढ़ है 1965 में बता रहे हैं कि एनिलेट लेमी से गोलकी का उत्पत्ति होती है। ये कैसे होती है, जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली से
केंद्र झिल्ली से हैसिका जैसी घटनाएं बनती हैं। ये बेसिकल बनती है, छोटी छोटी बेसिकल, और ये बेसिकल आगे जाकर आपस में बन जाती है। और इनमें बीच बीच में क्या पाया जाएगा, छिद्र पाए जाएंगे। और ये जो रचना बनती है इसे लैमिनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैमिनेट। इस लैमिनेट में छिद्र पाए जाते हैं आप जानते हैं, और छिद्र युक्त लैमिनेट को ही एनुलेट लैमिनेट कहते हैं। तो इसी को एनुलेट लैमिनेट कहते हैं। और ये लैमिनी ही आगे जाकर गोल्जी का निर्माण करती है। गोल्जी का है, इस तरीके की रचना होगी। यहां पर मिल जाएंगी मूर्त है, और इससे क्या है, गोल्जी का निर्माण हो जाएगा। तो केंद्र से बनेगी कुछ बेसिकल, केंद्र से क्या बनेगी, कुछ बेसिकल बनेगी, केंद्र के और ये बेसिकल आपस में मिल जाएंगे, एनिलेट लैमिनेट बना के, और एनिलेट लैमिनेट आगे जाकर गोल्जी का है बना देगा। गोल्जी का है, गोल्जी का एक सिस्टम भी है, यहाँ इस तरीके से रखना है बन जाएगी। अंतर प्रदत्त जानकारी से उत्पत्ति, अंतर प्रदत्त जानकारी वैज्ञानिक के भी मत कैसा भीम बग कैसा, अंतर्गर्मी जालिका से उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। वैज्ञानिक पूछे भीम बग कैसा है, तो ये बताते हैं कि जो आर ई आर होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे बनती है एस ई आर, ध्यान रखिए इससे, और एस ई आर बनेगी, ये भी अंतर प्रत्यय जालिका, ये भी अंतर प्रत्यय जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक जो कि खुद भी अंतर प्रत्यय जालिका है, स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि चिकनी अंतर प्रत्यय जालिका है, तो इस अंतर प्रत्यय जालिका से लास्ट में क्या बनती है, गोल्जी। कैसे, जैसे आप जानते हैं ये अंतर प्रदत्त जालिका है, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन सी अंतर प्रदत्त जालिका है, ये आर ई आर, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे इससे राइबोसोम हटते हैं तो क्या बनेगी,
उससे बनेगी एशिया और ये रूपांतरित होगा गोली की सिस्टम में का निर्माण कर दे। क्या कर देगी गोली की सिस्टम में का। तो आरईआर में जिस पर राइबोसोम बांधे रहते हैं और राइबोसोम के हटने से एसईआर बन जाती है और एसईआर रूपांतरित होकर गोल्जी काय की सिस्टम भी बना देंगे। ये प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। तो विद्यार्थियों गोल्जी काय समाप्त हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये वास्तव में कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो स्थितिज ऊर्जा है उसे एक तरीके से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, कोशिका की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण इसमें करते हैं गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में ये कोशिकी अंदर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए इन्हें हम रूपांतरण को क्या बोलेंगे ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन ध्यान रखें क्योंकि इस ऊर्जा का इसी कारण से हम पेपर नाम से जानते हैं कोशिका का शक्ति है एनर्जी आउट। कोशिका का शक्ति है इसे एनर्जी आउट के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतिहास में हम सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक है पॉलीकर। अठारह सौ
इन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को रेत के पीएससी कोशिकाओं तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम रेत के पीएससी कोशिकाओं में हमने क्या किया परीक्षण किया तो कोलिगर ने क्या किया सर्वप्रथम रेखित पेशी कोशिकाओं में ने देखा ध्यान रखना और एक अन्य वैज्ञानिक थे फ्लैग विद्यार्थियों कल से अब कल के लिए लगातार रहेंगे।